मुंबई स्टाइल तवा पुलाव। जब भी कोई भी लारी पे जाते हैं मुंबई में, स्पेसिफिकली जू बीच पे, तो ये तवा पुलाव खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और फिर ऐसा होता है कि ऐसा पुलाव अगर घर पे मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। इट इज़ वेरी 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 सिंपल टू मेक, और मेरी रीसेंट मुंबई की ट्रिप में मैंने ये रेसिपी क्रैक की थी। आई जस्ट लव इट। सबसे पहले एक कश्मीरी रेड चिली का पेस्ट बनाना है। उसके लिए 10 से 12 कश्मीरी रेड चिलीज भिगोई हुई, उसमें बहुत सारा गार्लिक, थोड़ी सी हरी मिर्च और नमक डाल के उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के लिए थोड़ा पानी ऐड करना है और फिर उसकी स्मूथ पेस्ट बनानी है। सो फाइनली इसकी स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाएगी। अभी तवे पे सीधा तड़का करेंगे। अगर आपके पास ये तवा बड़ा ना हो तो आप छोटे तवे पे भी कर सकते हो, या फिर बड़ी सी कढ़ाई में करना है। और मेक श्योर कि अगर कास्ट आयरन की कढ़ाई होगी तो वो स्मोकी फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले ऑयल लेना है, थोड़ा सा बटर लेंगे, उसमें जीरा डाल के भूनना है। जो हम लोग ने रेड चिली गार्लिक की पेस्ट बनाई थी उसे ऐड करेंगे। उसके साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन डाल के उसको अच्छे से भूनेंगे। मेक श्योर कि तवा पुलाव जब भी हमको खाना खाने बैठना हो, सर्व करना हो, तभी बनाना, तो इसका खाने का मज़ा कुछ और होगा। अभी जूलियन काटी हुई कैबेज, उसके साथ अनियंस, बहुत सारे कैप्सिकम, ग्रीन पीस, उबले हुए आलू, जूलियंस में कट किए हुए टमाटर, और मसालों में नमक, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और पाव भाजी का मसाला। अभी मैंने सारे वेजीज जूलियन में कट किए हैं। आप चाहो तो इसे डाइस में भी कट कर सकते हो। तो बस अभी थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर हमको इसे भूनना है ताकि मसाला जो है वो जल नहीं जाए। अभी मैंने यहाँ पे बासमती चावल को ऑलरेडी कुक करके रखा है। आपको अगर इसकी रेसिपी देखनी हो कि परफेक्टली चावल को कैसे कुक किया जाए, तो बस यूट्यूब पे जाके मेरी बिरयानी की रेसिपी जरूर देखना। तो अभी इसमें चावल ऐड कर देंगे, कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो तवा पुलाव का अभी से जो टेक्सचर है, उसका जो कलर है, वो इतना टेम्पटिंग है ना, आई जस्ट कांट वेट। मुझे लग रहा है कि मैं कब इसे टेस्ट कर लूं। लास्ट में थोड़ा सा लेमन जूस, चॉप्ड धनिया, थोड़ा सा बटर, और फ्राइड काजू डाल के इसे मिक्स करके आप सर्व कर सकते हो। मुंबई स्टाइल पाव भाजी की रेसिपी तो मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो बस अब ये तवा पुलाव उसके साथ बनाना और एक परफेक्ट जुहू चौपाटी वाला मज़ा आपके घर पे आपके फैमिली मेंबर्स को देना मत भूलना। और हाँ, उनके कमेंट्स कैसे आए ना वो मुझे बताना मत भूलना कमेंट बॉक्स में। आई जस्ट लव दिस तवा पुलाव। एंजॉय।